जिस इंसान ने अपनी जिंदगी दे विच कामयाबी हासिल कर रही हुंदी है वह सूरज ते चढ़न दी उड़ीक नहीं करता ते अपनी कामयाबी हासिल करके रहिंदा है। पंजाब विच लगातार ही सरकारी स्कूलों नू वधिया तरीके दे नाल सोहना बनाने लई सरकारां वल्लों हल्लाशेरी दित्ती जांदी है। स्कूलों की दिख बदलण विच जिथे सरकारां दा हत्थ हुंदा है उत्थे ही स्कूलों के स्टाफ का भी मुख किरदार हुंदा है, क्योंकि अध्यापक बच्चों नू सिखाउण दे नाल नाल नवीं चीज़ां भी दसदे ने तां जो बच्चे अगे वध के चीज़ां नू होर वधिया तरीके दे नाल प्रेजेंट करन। इस तरह की ही कहानी अज असी तुहाडे सामने पेश करन जा रहे हैं सुखवीर सिंह दी। पटियाला दे विच स्मार्ट स्कूल बनिया होया है जिते आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर ने सुखवीर सिंह, जिन्होंने पटियाला दे स्कूल दे विच अजिहियां पेंटिंग्स बनाईयां ने जो हर किसी नूं हैरान कर दिंदियां ने। पेंटिंग्स दे नाल स्कूल दी अजिही दिख बनाई कि देख के हर कोई कहिंदा है कि बहुत सोहनी चीज़ बनाई हुई है, ते नाल ही उन्हां नूं पंजाब सरकार वल्लों स्टेट अवार्ड दे नाल सन्मानित भी किया गया है। मैं सुखवीर सिंह, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, सरकारी कोएड मल्टीपर्पज सीनियर सैकेंडरी स्कूल पासी रोड पटियाला विखे पढ़ा रहा। तो मेरे लिए बहुत माण की गल है कि इस स्कूल दे विच मैं पढ़िया होया। 2001 तो लैके 2003 तक 11वीं 12वीं मैं अपनी इस स्कूल दे विच कीती है। इस स्कूल ने मैनू हमेशा ही बहुत माण ते प्रसिद्धि बख्शी है, चाहे मैं उस वेले स्टूडेंट होवां ते चाहे हुण मैं बेशक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर वजों इस स्कूल विखे अपनियां सेवावां 15/4/21 तो रैगूलर तौर पर निभा रहा। तो उस तो पहला भी 2-3 साल मैं इत्थे डेपूटेशन ते रहा, जिथे डेपूटेशन ते रहिंदिआं मैं इस स्कूल की दिख इस स्कूल की नुहार बदलने वास्ते अपनी पूरी वाह लई, जिदे विच मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बच्चों ने भी मेरा वध चढ़ के सहयोग दिता, जिदे कारण ये सब कुछ मुनासिब हो सकिया। प्रिंसीपल तोता सिंह जिन्हां नूं नैशनल अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया, उन्हां दी बदौलत स्कूल दी नुहार बदली सुखवीर सिंह ने। स्कूल वालों हमेशा मान दिता गया सुखवीर सिंह नूं। मैं जरूर दसना चाहूँगा कि साडा स्कूल है जिहड़ा यह तकरीबन पंजाब का सब तो वड्डा स्कूल है, 29 एकड़ रकबे दे विच यह फैलिया होया ते 2 बिल्डिंगां दे विच वंडिया होया जो तकरीबन अद्धो अद्ध बणदियां ने। हर किस्म दे साडे कोल ग्राउंड ने ते साडी तकरीबन बाहर दी दीवार ही 800 मीटर लंबी है ते 6-7 फुट उच्ची है, जो बिल्कुल ही उल्ली नाल भरी हुई सी, इट्टां सी ते उन्हां दे उपर मैल चढ़ी हुई सी, बाहरले पासे टाइलां भी नहीं सी लगियां हुई ते मीह नाल उह घराला चल चल के काली हो जांदी सी। ते मतलब सानू हायर अथॉरिटीज़ वालों भी 1-2 वार ये सुनने को मिलिया कि साडे स्कूल की दिख है जिहड़ी उह अंदरों तां बहुत वधिया पर बाहरले पासों थोड़ी सलाहण योग नहीं हैगी, जिसकी दिख बदलण दा मैं बीड़ा चुकिया अपने प्रिंसीपल साहब सरदार तोता सिंह नैशनल अवार्डी जी नूं वादा करके कि तुसीं इहनूं एक वारी प्लस्तर करा दिओ ते इस स्कूल दी आपां नुहार बदल के रख देंगे, इत्थे नमूने दी कलाकारी दी पेंटिंग्स बनावांगे। ते फिर मैं वो काम कीता भी, तकरीबन फरवरी तों लै के पिछले साल 9-10 महीने लगातार मैं सवेर तों लैके शाम तक इत्थे काम कीता। फाइन आर्ट्स दे बच्चे भी मेरे कोल दीवार ते क्लास लाउण आउंदे सी ते उहनां दा प्रैक्टिकल भी मैं उस दीवार ते करवाउंदा सी, ड्राइंग बना के उन्हां नूं कलरिंग करन लई दिंदा सी ते उह कलर्स कर दिंदे सी। ते साडियां 40-40 फुट दीआं पेंटिंग्स, जो पेंटिंग्स घट्टे म्यूरल ज़्यादा ने, वह बन गए। असी ग्रैफिटी आर्ट नूं स्कूलां दीआं कंधां ते इंट्रोड्यूस किया, ये साडा मतलब पहला कदम सी कि असी ग्रैफिटी आर्ट नूं स्कूलां दीआं कंधां ते इंट्रोड्यूस किया। एजुकेशनल डायलॉग्स लैके फेमस राइटर्स, फेमस साइंटिस्ट ते फेमस परसनैलिटीज़ दे कोटेशन्स नूं लैके
असी उन्हां नाल उन्हां दे पोर्ट्रेट्स नूं क्लब करके बहुत वधिया बैकग्राउंड लैके उन्हां नूं क्लब करके एक म्यूरल वड्डे वड्डे म्यूरल क्रिएट किए जो इंस्पिरेशनल बच्चों लिए बन ते बाहरों साडी दीवार है जिहड़ी उह सुंदर बन सके। जो तुम स्कूल च आए थे तो तुम सब तो पहला पेंटिंग बनाई सी है ना, ये पेंटिंग बनाने का की रीज़न सीगा? ये पेंटिंग बनाने का रीज़न वैसे मेरा परसनल ब्रेन ही है कि जो मैं इतने आया शिफ्ट हो कि यह नहीं सी पता लगता कि केड़ी क्लास कित्थे है केड़ा रूम कित्थे है या कोई भी विजिटर आउंदा सीगा उन्हें पता लगता कि केड़े रूम दे विच कैसे कहना प्लस टू आई दे विच चल जाओ प्लस टू आई कित्थे है तो वो साढ़े बहुत कंपीटिटिव एग्जाम्स होंगे ने तो उदों रूम नंबर ने जो उन्होंने लोड़ होंगी है। जो तुम कह रहे हो भी 29 एकड़ स्कूल बनया है तो ये पूरा प्रजेंट हों नहीं सिर्फ 29 एकड़ का मैं लगता भी 2 एकड़ या 4 एकड़ हिस्सा होना जिद सिर्फ बिल्डिंग है जो ग्राउंड ने जो देखा जाए तो इस तो बहरले पासे ने तो वो ये है नहीं सिर्फ बिल्डिंग का नक्शा है तो यह मैं एप्रोप्रिएट जगह लगी गेट एंटर करद लैफ्ट साइड है ना तो फिर मैं इतने मैं सोचा कि इतने स्कूल का नक्शा बनाया जाए मैं GPS तो स्कूल का डिज़ाइन देखा तो फिर रिकॉल किया कि रूम ने तो उन्होंने फ्लोरिंग दिती रैड जोड़ा वो अलग फ्लोर है ग्रीन वाले जोड़े नंबर ने ग्राउंड फ्लोर के ने तो कितने कितने साढ़े वाशरूम ने कई तो बच्चों वाशरूम नहीं पता लगते साढ़े कि वाशरूम कितने ने फिर इतने सारा नक्शा बनाया तो ताकि स्कूल का साड़ा प्लान व्यू पता लग जाए सानू कितने की है एक आम बंद भी एक देखे तो ये मतलब पहली बार किया शायद स्कूलों से होंगे भी नहीं। नौ दस महीने लगातार इस दीवार नूं शिंगारिया सुखबीर सिंह ने वक-वक पेंटिंग्स बनाईया दीवार ते जिथे शायरां दे कोट लिखे नाल ही पोर्ट्रेट्स भी बनाए तां जो हर किसी नूं उत्थे मैसेज मिले। जदों सुखबीर सिंह दीवार ते पेंटिंग करदे तां लोग अक्सर ही देखदे उहनां नूं ते पुछदे कि तुसीं बहुत वधिया काम कर रहे हो, नाल ही लोग उहनां तों जाणदे कि पेंटिंग बनाउण दा की कारण है। ते सुखबीर ने हमेशा कहना स्कूल दी दिख बदलन लई मैं इह चीज़ां करदा हाँ। जदों कंध बणदी गई तां इह दीवार दी खूबसूरती बणदी गई तां जिन्ने भी पार्क दे विच लोग सैर करदे सी उह इहदी शलाघा करदे सी कि सानू पार्क दे विच सैर करदे आ सारियां कोटेशंस पढ़ के पेंटिंग्स देख के बड़ा तरोताज़ा महसूस हुंदा। मैनू याद है कि कई बार मैं पेंटिंग करदा उत्थे काम अपना जो कर रहा हुंदा सी तां शहर के जो नामी आर्टिस्ट ने जो कंधां ते पेंटिंग का काम करते हैं वह भी मेरे को आके बैठ जाया करते सी कि असीं भी कई बार इत्थों लंघदे आ तां असीं देखते हैं भी ये वक्री किस्म का काम है कि सानू दिख नहीं रहा कि कौन बंदा यह काम कर रहा क्योंकि बहुता शाम सवेरे जां तां काम ते जाण लग्या लंघ जांदे सी जां शाम नूं आउंदे सी पर मैं स्कूल दे टाइम ये काम करदा सी ते कई बार शाम नूं भी करदा सी जिस टाइम उन्हां दा कभी स्कूल टाइम गेड़ा लगना तां उन्होंने एक बार मैनू मिले वह तो मेरे को बैठे मेरे नाल गलबात की कि सर तुसीं किवें कित्थे काम करदे हो उन्होंने दस्सिया कि मैं इसे स्कूल विखे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हाँ तो असीं आप ही ये काम सारा कर रहे हैं तो वह बड़े खुश होए कि बड़े माण की गल है सर तो सानू भी ये काम देख के कुछ नवं सीखने को मिले कि स्कूलों दी कंधां ते किस तरह का काम किया जा सकता। पिछे जे माणयोग मंत्री साहब हरजोत सिंह जी बैंस ने साडे स्कूल का दौरा किया तो उन्होंने एंटर करन तो पहला सारिया पेंटिंग्स ये बाहर बनिया हुई देखिया तो अंदर जो आए मेरे रूम के मैं उन्होंने दिखाया कि सारिया पेंटिंग्स असी खुद बनाईया ने बच्चों के सहयोग के नाल। यह जिहड़ा कोरीडोर है सारा सुनना सी सर कहा करदे सी कि इहनूं डेकोरेट करो है ना यह तकरीबन हैगा 100 मीटर लंबा कोरीडोर है तो इत्थे जिहड़े वड्डे पिलर सी उन्होंने पोस्टर बनाने की कोशिश की कि सोहणे लगण हैं देयर कैन बी नो यिन विदाउट यांग यह चाइनीज़ कहावत है ना कि नर ते मादा बिना मादा तो नर भी नहीं हो सकता या बिना चंगयाई तो बुराई भी नहीं हो सकती इक्वली ओपोजिट थिंग्स तो इत्थे पोस्टर बनाए ये वाला पोस्टर बनाया तो इधर तुसी देख रहे हो सारे जिन्हें भी पिलरस है इन्हां पिलरस की बैक साइड पर तो एक साइड पर इंस्पिरेशनल स्लोगन लिखे हुए हैं टीचर्स के लिए बच्चों के लिए
होर जिहड़े कवियां दीआं कुछ गल्लां ने जां पाणी दे नेड़े पाणी नाल रिलेटिड गल्लां ते इधरले पासे असीं सारे इंस्टी जिहड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनस ने जिवें आह यूनाइटेड नेशनस हो गया यूनीसेफ हो गया WHO हो गया और होर हो गए वर्ल्ड बैंक हो गया इन्हां सारिआं दे लोगोज़ की ने इन्हां सारिआं दे फुल फॉर्म दी फुल फॉर्म की है तो शॉर्ट के फॉर्म शॉर्ट फॉर्म की है इन्हां दे एस्टैबलिशमेंट ऑफिस इंटरनेशनल ये कदों होए फस्ट टाइम कितने बने कदों होने चाहे तो कितने कितने इन्हां दे ऑफिस ने ये पिलर्स नूं सारिआं नूं एक जीके का रूप देता कि बच्चों नूं घट्टो घट्ट ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन याद हो जाण कि किहदा ऑफिस कित्थे है किहड़ा कदों बनिया। वो सामने तुसी पेंटिंग देख रहे हो बाबा नानक जी दोहां जिहड़ियां हक ते हलाल की कमाई यह मेरी BEd दी स्टूडेंट सी उन्हें गिफ्ट की पहला सी साढ़े कोल बहुत वीयर आउट हो चुकी सी उन्हें रीफ्रैश करके उन्हें सानू दोबारा गिफ्ट की है। ਅੱਠ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟਸ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਜੋ 74 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1999 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11ਵੀਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2nd ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੋ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣੋ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ
वोकेशनल विषयों शुरू कर लिया। साढ़े को बहुत सारे वोकेशनल विषय ने, मैं खुद वोकेशनल का स्टूडेंट रहा। मैं दस्या पहला कि मैं 12वीं वोकेशनल मकैनिकल इंजीनियरिंग टॉप किया, जिद भी मेरा टॉप करने का कारण इंजीनियरिंग ड्राइंग का विषय से, जिद मेरे पूरे तो पूरे नंबर से। तो उन्होंने बच्चों मेरा मैसेज है कि वह हुनरमंद बनन, कोई ना कोई किता जरूर कर, पढ़ाई के नाल नाल अपने आप को हुनरमंद करना, ट्रेन करना किसी किते दे लई, वह बहुत जरूरी है।